सबका साथ सबका विकास, इस मंत्र पर चलते हुए बीते 55 महीनों में अरुणाचल और उत्तर पूर्व के विकास के लिए ना तो कभी फंड की कमी आने दी गई और न ही इच्छा की कमी आई है। बीते वर्षों में राज्य को 44,000 करोड़ रुपयों का फंड दिया गया, जो पिछली सरकार की तुलना में लगभग डबल है। डबल इसके अलावा केंद्र सरकार यहां हजारों करोड़ के अन्य प्रोजेक्ट पर भी काम कर रही है। विकास की इसी कड़ी में आज अरुणाचल में एक साथ 2 एयरपोर्ट का उद्घाटन और शिलान्यास हो रहा है। संभवतः ये पहली बार है कि भारत में किसी भी राज्य में एक एयरपोर्ट पर काम पूरा हुआ हो और दूसरे पर काम शुरू हुआ हो। अरुणाचल प्रदेश के लिए तो ये और भी अहम अवसर है, क्योंकि आजादी के इतने वर्षों तक यहां एक भी ऐसा एयरपोर्ट नहीं था जहां नियमित रूप से बड़े यात्री जहाज उतर पाए। गुवाहाटी तक एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी थी और वहां से या तो सड़क के रास्ते आपको आना जाना होता था या फिर मजबूरी में या इमरजेंसी में हेलीकॉप्टर का सहारा लेना पड़ता था। साथियों, आज से तेजू एयरपोर्ट सामान्य जनता से जुड़ी यात्री सेवाएं देने के लिए तैयार है। तेजू हवाई अड्डे को लगभग 50 साल पहले बनाया गया था और उसके बाद किसी ने ये नहीं सोचा कि इसका इस्तेमाल यहां के लोगों को देश से जोड़ने के लिए भी किया जा सकता है।